दिवाली पर देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा तोहफा देने वाले हैं। देश के 75,000 युवाओं को पीएम मोदी नौकरी का गिफ्ट देंगे। 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75,000 युवाओं को पीएम मोदी एक प्रकार से ये समारोह इस मंत्र का जीवंत स्वरूप हमें नजर आ रहा है। साथियों, भारत की खेती के सभी बड़े भागीदार आज रूबरू में और वर्चुअली पूरे देश के हर कोने में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मंच से आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो गई है और मैं अभी यहां जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख रहा हूं। एक से बढ़कर एक ऐसी अनेक टेक्नोलॉजी के इनोवेशन वहां है। तुम्हारा मन तो कर रहा है और उनकी टीम को बधाई देता हूं। ये किसान के लिए सिर्फ उर्वरक खरीद बिक्री का केंद्र नहीं है, एक संपूर्ण रूप से किसान के साथ घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला, उसकी हर सवालों का जवाब देने वाला, उसकी हर आवश्यकता में मदद करने वाला ये किसान समृद्धि केंद्र बना है। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाए। खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहां पर उसका जो आयोजन में आए, मैं उन सबका भी जो हिस्सा ले रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो नए नए इनोवेशन किए, उनकी मेहनत कैसे कम हो, उनके पैसों में बचत कैसे हो, उनके काम में गति कैसे बढ़े, उनकी सीमित जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ऐसे अनेक काम ये हमारे स्टार्टअप वाले, हमारे नौजवानों ने किए। मैं वो भी देख रहा था, एक से बढ़कर एक इनोवेशन नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को भी जो आज किसानों के साथ जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका इसमें भागीदार होने के लिए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना ये शुरू हो गया है। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी, कि हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के एक रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होगा। लेकिन ये मोदी की सरकार है, पाई पाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटक सहित पूरे देश के किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए? 2.5 लाख करोड़। कितने? 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए हैं। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे हमारी जो माताएं बहनें किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए हैं। ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाओ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते। किसानों को डबल बेनिफिट, हम आपको यहाँ पर आज सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं, हमारे साथ में बने रहिएगा। किसानों की आमदनी को लेकर भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है उसके अपडेट यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त से लेके पीएम किसान योजना में जो किसान भाई हैं उनकी आय को बढ़ेगा, 18वीं इंस्टॉलमेंट इस दिन होगी जारी, किसानों का कर्ज भी होगा। तो फाइनली किसान भाइयों आपके लिए बड़ा अपडेट, 19वीं किस्त के साथ किसानों को बड़ा अपडेट यहां पर मिल चुका है। यहां पर हम आपको बता दें दिवाली जैसे ऑफर पर किसानों को यहां पर बहुत कुछ मिलने वाला है। साथ में हम आपको यहां पे बताएंगे पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त 2024 को रिलीज हो चुकी है। अब यहां पर बात आती है 18वीं के बाद 19वीं किस्त की, या फिर यहां पर जो रुकी हुई इंस्टॉलमेंट है उनकी बात करेंगे। तो हम यहां पे आपको सब कुछ बताएंगे 8 सालों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो भी किसान भाई हैं, जो भी जिसके रिगार्डिंग उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर किए हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपके लिए बड़ा अपडेट मैं आप यहाँ पे देने वाला हूँ। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, हम आपको यहाँ पर ए टू जेड जानकारी देंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं इंस्टॉलमेंट है उसको लेके भी बड़ा अपडेट आया है। क्योंकि आपको मैं बता दूं त्योहारों की बौछार चल रही है, सम्मान निधि योजना की जो 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा किसानों के खाते में जा चुका है, यानी साल में 6,000 रुपए सम्मान किस्तों में किसानों को भेजा जाता है। तो इसी को रिगार्डिंग देखते हुए सरकार ने किसानों के लिए और भी कुछ यहाँ पर नया किया है, जिसमें जो किसान भाई यहाँ पर वंचित रह गए थे, छूट गए थे, तो उनका पैसा अब यहाँ पर जारी हो रहा है और उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर आप 19वीं इंस्टॉलमेंट का बेसब्री से कर रहे इंतजार या फिर दिवाली का बोनस पे किसानों को यहाँ पर मिलेंगे पूरे पूरे 4,000 रुपए की रकम उन किसान भाइयों को मिलेगी जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था। ऐसे में हम अगर आपको यहां पर दिखाएंगे और बताएंगे सारा कुछ, क्योंकि खेती से जुड़ी या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2,00,000 रुपए से अधिक की सम्मान राशि जो है वो यहाँ पर प्राप्त की गई है, यानी जो भी पैसा है तो वो सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है। 1,60,000 जो किसान भाई हैं उनके बैंक खाते में भी यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर भेजा गया है। और जो किसान भाइयों के बैंक खाते में दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की रकम दी जाती है। मगर अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 तक किसानों को 2,000 की जगह 4,000 रुपए भी यहाँ पर मिलेंगे। आप पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला है तो उनके लिए यहाँ पर सरकार ने बड़ी ऐलान किया है। और यहाँ पर जो 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई थी, तो उसी को देखते हुए बहुत सारे किसान भाई ऐसे रह गए थे, करोड़ों किसान भाई जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया गया था, तो अब धीरे धीरे उनके बैंक खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। और सभी किसान भाइयों के बैंक खाते में जो पैसा है, जिसका पैसा उनको नहीं मिला था, तो वो अब यहाँ पर ट्रांसफर भी किया जा रहा है और सीधे उनके